Assalamu alaikum. दोस्तों साथियों कैसे हो, खैरियत है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और आज जो है वो 11 फरवरी है और जुमेरात का दिन है और आपके लिए हम अच्छी अच्छी खबरें लाते रहते हैं। कानूनी टीवी के स्टूडियो से आप देख रहे हैं, मैं मुखातिब हूँ। ये हमारा लोगो है कानूनी टीवी का, ये तराजू, ठीक है, नीचे ये कानूनी टीवी लिखा हुआ है। और चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप करवा भी रहे हैं उसका भी शुक्रिया, क्योंकि उसके मुझे नजर आ रहा है हर रोज सैकड़ों की तादाद में सब्सक्राइब आप करते हैं और करवाते हैं। तो उम्मीद है आप भी हमारे साथ ये ताउन जारी रखेंगे। तो आज आपको बड़ी अहम खबरें दे रहे हैं हम के अदम एतमाद के हवाले से, कि ये समझो कि अदम एतमाद पंजाब में भी खुद ब खुद हो गया और मरकज में भी। ये इसके ऊपर तफसील से मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के हवाले से आपको बता दूं कि हमारी जो पाकिस्तान जस्टिस पार्टी है उसका 29 मार्च को हमारी योम तासीस यानी सालगिरह का दिन होता है, सालगिरह का 29 मार्च को। तो इस दफ़ा भी हम 29 मार्च को इंशाल्लाह बड़े एक खुली जगह पे एक प्रोग्राम करेंगे एसओपीज का ख्याल करते हुए। ये और उसमें जो है हमने नए इलेक्शन करवाने अपनी पार्टी के, ठीक है जी। तो उसमें सारे इलेक्शन होंगे, चेयरमैन का होगा, बाकियों के होंगे। तो वो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है कि जनाब वो आप हर 4 साल के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, जो कि तहरीक इंसाफ भी नहीं करवा रही और कभी भी उसने नहीं करवाया। तो सबसे पहले इमरान खान का नारा यही था कि जी सियासी पार्टियां तो इंतखाबात ही नहीं कराती, तो अब वो खुद भी नहीं कराता। एक दफा उसने कराए तो ये जस्टिस जस्टिस फसीउद्दीन और नूरानी और ये सारे चले गए के अंदर घपले ही घपले हैं तहरीक इंसाफ में। तो वो हमारा इलेक्शन होगा। अब जो इस वक्त मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ ना जस्टिस पार्टी का, हमारी माशाल्लाह बहुत मेंबरशिप हो गई है, हजारों की तादाद में हो गई है, हजारों की तादाद में। आज जो मैं ऐलान करने वाला हूँ ना वो ये है कि हम हर तहसील, हर जिला और हर यूनियन काउंसिल में सदर का जो है ना सदर नॉमिनेट करेंगे। सदर जो होगा वो आप हमें रब्ता करें, मैं आपको टेलीफोन नंबर भी दे दूंगा 03004725752, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन पाकिस्तान जस्टिस पार्टी PJP। तो इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, अपनी आप तस्वीर भेजेंगे और अपना एड्रेस भेजेंगे या शनाख्ती कार्ड भेजेंगे, हम आपको वो कार्ड बना देंगे। वो कार्ड हमने छोटा सा टेलीफोन पे इंटरव्यू आपको लेना है, प्रेसिडेंट का होगा, सिर्फ प्रेसिडेंट का हम जो है ना इस वक्त कार्ड बना रहे हैं प्रेसिडेंट का। तो उसकी वो हम आपको TCS करवा देंगे, उसकी थोड़ी सी फीस भी है, मैं आपको टेलीफोन पे बता दूंगा। हर जिले का हमें प्रेसिडेंट चाहिए, हर तहसील का हमें प्रेसिडेंट चाहिए, हर यूनियन काउंसिल का हमें प्रेसिडेंट चाहिए। फिर यही जो प्रेसिडेंट होंगे, ये जो मरकजी हमारी पार्टी है उसका इंतखाब करेंगे ये वाले, ठीक है जी। तो इसके लिए आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, कौमी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा जो नारा है कि हम पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, हमारा डिटेल मंशूर है लेकिन वो बाद में बताऊंगा, सिर्फ फिलहाल एक रुबाई जो है ना शायरी की सूरत में हमारा वो सुन लें, मंशूर जो है रुबाई की सूरत में, बाकी कागज में भी है वो आपको मैं बाद में दे दूंगा। कि तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमते इंसान कर जाऊं, और मर तो जाना है मुनसिफ तूने एक दिन बिल आखिर, काश मरते मरते रोशन पाकिस्तान कर जाऊं। ये हमारा मंशूर है रुबाई की सूरत में।
और बाकी इंशाल्लाह आपको हम रुबाए मंशूर भी देंगे, आप हमारे पार्टी के मेंबर भी बने। और इस वक्त जो लोग सियासत में दिलचस्पी लेना चाहते हैं, पाकिस्तान में कुछ काम करना चाहते हैं इंसानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो हमारे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। सदर के लिए, सदर के अगर कोई ओहदा लेना चाहता है तो उसके लिए, ठीक है जी। आप आए जी सियासी सूरत हाल। सियासी सूरत हाल ये है कि कल एक बारिश का पहला कतरा जो है ना वो आया है, और एमपीए खुरम लगारी जो मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई के एमपीए थे, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अलहदा ऐलान किया है, इस्तीफा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ काफ़ी सारा ग्रुप है और हमें यही पता चला है कि जी 10 से 12 बंदे इनके साथ है, 10 से 12 बंदे इनके साथ है। तो अगर 10 से 12 बंदे ये इमरान खान को छोड़ते हैं, इसको उस्मान बुज़दार को छोड़ते हैं, तो ये बुज़दार लेला जो है, लेला लेला मैं इसलिए कहता हूँ कि बुज़दार का मतलब ही लेला, लेले वाला लेला, ये उस्मान बुज़दार से हमारी पंजाब की जान छूटेगी। और जो इसने तबाही मचा दी है, जो पूरी दुनिया में लाहौर इस वक्त गंदगी में नंबर वन पे है, पता है आपको, गूगल पे जाके देखें, नंबर वन पे आ गया है गंदगी में, गंदगी में। मैं कसम से आता हूं ना घर से या जिधर से भी जाऊं सड़क पे, इधर उधर आपको वाजे तौर पे गंद नजर आएगा। और उन्होंने कोई गंद नहीं उठाया कहने के बावजूद, तनकीद के बावजूद। तो ये अदम एतमाद तैयार है दोस्तों। अब क्या होना चाहिए, अब जो अपोजिशन है, हमजा, आपको पता है हमजा शहबाज जो है अपोजिशन लीडर है, ये तो हुकूमत ने हथकड़ियां डाली हुई है ना, हथकड़ियां डाली हुई हैं अपोजिशन को, हथकड़ियां डाली हुई हैं। अब ये आप बिल्कुल एक करारदाद पेश करें और उस्मान बुज़दार को कहा जाए कि वो इतमाद का वोट लें, वो इतमाद का वोट ले ही नहीं सकते, वो फेल हो जाएंगे और ये पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं, किसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो पहले 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 ये कहते थे पीडीएम वाले कि शायद लॉन्ग मार्च की जरूरत भी ना पड़े, अब तो खैर हालात बदल गए हैं ना, पहले ये कहते थे। तो 10 से 12 एमपीए इसके पास है, खुरम लगारी के पास, और वो एक दो दिन में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, ठीक। अब इससे भी बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, इससे भी बड़ी खबर के 25 से 30 कौमी असम्बली के अरकान ने बाकायदा ऐलान करने का ऐलान कर रहे हैं, वो बाकायदा इमरान खान को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, ठीक है। और उनके अंदर भी अदम एतमाद का, फिर यही अपोजिशन लीडर, वहां भी अपोजिशन लीडर जेल में है। आप देख रहे हैं कौमी असम्बली में भी जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ, वो भी जेल में है। पंजाब में जो अपोजिशन लीडर है वो भी जेल में है। तो आप देख लें किस तरह की पॉलिटिक्स इसने मुतारफ करवाई है इमरान खान ने, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जमहूरी लिहाज से भी नीचे चले गए। ये जमहूरियत है ही नहीं पाकिस्तान में, कह दिए बड़े इदारों ने, इंटरनेशनल इदारों ने कि पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है कोई जमहूरियत भी। तो 25 से 30 अरकान ने बाकायदा पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसमें फैसलाबाद के कौमी असम्बली के रुकन शामिल हैं, जिसमें अटक से कौमी असम्बली के अरकान शामिल हैं, और इन्होंने बाकायदा वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम इसको करें, ठीक है ना जी। ये मैंने कहा था कि सेनेट के इलेक्शन में ये घपला आपको इंशाल्लाह सामने आ जाएगा, उसमें भी सिर्फ एक करारदाद आपने पेश करनी है अपोजिशन लीडर ने कि जनाब इनका इतमाद का वोट लो, और इमरान खान भी इतमाद का वोट नहीं ले सकेगा, उसकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल जो है ना, ये दोनों में आपको बिल्कुल अहम खबरें बता रहा हूं, अंदर की बातें बता रहा हूं, जो ये इस वक्त तैयार है। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर कौमी असम्बली के अरकान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और सूबाई असम्बली पंजाब के अरकान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इन्होंने पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला कर दिया। और वैसे भी इस वक्त मैं जो है ना एक कौमी असम्बली के जो अरकान है ना, पीटीआई के और सूबाई असम्बली के और तहरीक इंसाफ के सारे, उनसे कहता हूं कि कुछ थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करो। आपको अवाम ने इसलिए बुलाया है
हम आपको याद करा रहे हैं कि गैरत का मुजहरा करो। कल जो तशद्दुद हुआ है मुलाजमीन पे, कल वो कम है, वो तशद्दुद जो हुआ है वो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पता नहीं इंडिया ने हमला कर दिया है, इंडिया ने तो इतना बड़ा तशद्दुद हुआ है, तो उसको उस तशद्दुद के हवाले से इस्तीफे आने चाहिए। जो गैरतमंद अरकान है ना पीटीआई के, गैरतमंद अरकान वो इस्तीफे दें, कौमी असम्बली से भी इस्तीफे दें कि भाई तुमने तशद्दुद उस्तादों पे क्यों किया है, पंजाब असम्बली से भी इस्तीफे आए कि जी आपने क्यों किया है, वजीर भी इस्तीफे दें इस मौके पे। ये मुतालबा है, मेरा भी मुतालबा है, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का भी मुतालबा है, कानूनी टीवी चैनल का भी मुतालबा है कि आप इस्तीफे दें। क्यों तशद्दुद किया गया है उस्तादों पे, क्यों तशद्दुद किया गया है? तो ये अहम खबरें थी जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। इंशाल्लाह ताला कानूनी टीवी आपको मजीद अहम खबरें बताता रहेगा, तो आप मेरे साथ रابطہ करें, टेलीफोन नंबर यहाँ भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह अगली वीडियो बड़ी अहम होगी, वो भी देखना आप।